बिहार के जहानाबाद में यूपी के हाथरस जिले की तरह भगदड़ मच गई। फर्क सिर्फ इतना था कि वो घटना बाबा के सत्संग में घटी और ये मंदिर में मौका था सावन की चौथी सोमवारी का। लिहाजा जहानाबाद के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर में काफी संख्या में जल चढ़ाने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। तभी मंदिर के रास्ते में भगदड़ मचने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि रविवार रात कतार में खड़े भक्तों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बात धक्का मुक्की तक आ गई, जिससे रेलिंग टूट गई। मंदिर के पास मौजूद पुलिस कर्मियों ने हालात काबू पाने की कोशिश की, लेकिन अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ होते ही लोग इधर उधर भागने लगे। अंधेरे में एक दूसरे को कुचलते हुए जिसे जहां जगह मिली वहां दौड़ पड़ा। हालांकि एक चश्मदीद ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि लाठी चार्ज की वजह से ये हादसा हुआ है। घटना यहां पे पूरा जिम्मेवारी हम लोग प्रशासन को लगाते हैं। अरे कैसे हुआ, क्या हुआ? पहाड़ पे ढेला लाठी चार्ज करवा के हुआ है। एनसीसी से ड्यूटी करवाया गया था, बिहार पुलिस वहां पे ड्यूटी नहीं कर रहा था। इस हादसे में खबर लिखे जाने तक 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जान गंवाने वालों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। इस हादसे पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। तीन सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर, तीन सोमवारी के बाद ये चौथी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एनसीसी और स्कॉट गाइड के हवाले सुरक्षा व्यवस्था थी और उन लोगों ने लाठी चार्ज किया। इसके बाद ये आपका व्यू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेप्यूटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेप्यूटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है, इस पे हम लोग। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में हुए हादसे पर जहानाबाद विधायक सुदय यादव ने प्रशासन पर सवाल उठा दिए। काफी दुखद है और हम सबसे पहले तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को संतावना देते हैं और वहाँ पूरी तरह जिला प्रशासन की चूक हुई है। लगातार लोग बता रहे थे कि जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वहाँ पूजा के लिए, वो जिला प्रशासन नहीं किया है। ये पूरी तरह जिला प्रशासन का फेलुअर है। तो आगे इस तरह की घटना नहीं हो, सरकार और जिला प्रशासन सचेत रहे। वही जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव की मांग है कि दोषियों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाए और मृतक की परिजनों को नौकरी दी जाए। जो लोग दोषी हों उसको बख्शा भी नहीं जाए, जो भी लोग, और फिर 12 बजे तक इसका पूरा पता चल जाएगा। चूंकि कुछ लोग गया की ओर भी लेके चले गए हैं, उठाकर जो साथ में उनका परिजन था वो कुछ गया भी लेके गए हैं, तो गया वाले ले गए, किस हॉस्पिटल में ले गए, मेडिकल तक तो नहीं पहुंच पाए पर गया में कहीं लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो टोटल शाम तक आपको हम अवगत करा देंगे कि टोटल कितना मृतक हुआ है। सावन के सोमवार पर जहानाबाद में हुए भगदड़ हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच चल रही है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किसकी लापरवाही और चूक से इतने श्रद्धालुओं की जान चली गई।